नमस्कार मैं ऋषि कुमारी, आप देख रहे हैं वीडियो में न्यूज। यहाँ की जाती है तमाम सभी को सही खबर सबसे पहले। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य में पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड यू आर वॉचिंग वेब इंडिया न्यूज। मैं मुजीबुल्ला और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। रामनगर नगर परिषद का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और सभी योद्धा और महायोद्धा इस संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, अपना भाग आजमा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी क्रम में हम एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलने पहुँचे हैं और आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से जानी जाती हैं। वो हाईली एजुकेटेड भी हैं और विगत 15 साल से यानी 3 टर्म में यहाँ रामनगर नगर पंचायत जब था तो उस वक्त यहाँ की वार्ड पार्षद भी रही हैं। इनसे मिलते हैं कि व्हाट शी हैज़ डन, इन्होंने पिछले 15 साल में क्या किया है अपने व्यक्तिगत कर्मों से या पर्सनली इन्होंने जनता के लिए क्या किया है, सरकारी योजनाओं का लाभ किस हद तक जनता तक पहुंचाया है। और अभी जब सभापति की प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, तो जीतने के बाद इनके क्या एजेंडे हैं जिन पे काम करके ये जनता को लाभ पहुंचाएंगी। इसके लिए मैं थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। आपका शुभ नाम? मैं निवेदिता शाह, मैं वार्ड पार्षद रह चुकी हूँ विगत 15 वर्षों से वार्ड नंबर 3 में, और जो कि आज का वार्ड नंबर 4 कहा जा रहा है। और मैं अपने वार्ड पार्षद के समय में जो जो कार्य की, जो जो जैसे जैसे सरकारी योजनाएं आती गई मैं अपने जनता के साथ पहुंचाती गई हूँ। बीच में शौचालय आया, आज प्रधानमंत्री आवास योजना है, रोड है, नाला है, ये सब तो छोटे मोटे काम होते ही रहते हैं। और जैसे कि लोगों का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब मैं लोगों तक पहुँचाएंगी और आगे इसी आशा के साथ जिस तरह से मैं काम करती आई हूँ। आज रामनगर एक बार सीधे चुनाव में आया है और पहली बार जनता को चुनाव करना है सभापति का, अपने चेयरमैन का। तो मैं जिस तरह से काम करती आई हूँ उसी आशा के साथ अपने जनता के सामने फिर खड़ी हूँ और इस बार सभापति के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह अपने वार्ड में काम की आगे रामनगर में भी कुछ कर पाऊँ। मैम, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी, मैं यहाँ से स्कूलिंग की रामनगर से ही, मेरा जन्म धरती यही है और इसके बाद मैं पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएट की और उसके बाद से क्या कहा जाए, अपने गृहस्थ में लग गई, शादी हुई और अपने गृहस्थ जीवन को आज अच्छी तरह से व्यतीत कर रही हूँ। साथ साथ 2007 से मैं पॉलिटिक्स में आई, वार्ड की लड़ाई लड़ी और आज तक 3 टर्म मैंने चुनाव लड़ा और तीनों टर्म जनता का प्यार दुलार मिलता रहा और मिलने के वजह से ही मैं तीनों टर्म चुनाव जीती। तो आप मतलब कि यहाँ पैदा हुई, यहीं की बेटी हैं और यहीं की बहू हैं, तो इस हिसाब से अगर नॉन पॉलिटिकल इशू पे देखा जाए तो आपका ज़्यादा हक बनता है कि आप लोगों से अपील करें कि कम से कम आपका जो आंचल, हम लोग बोलते हैं कि आंचल अपने आशीर्वाद और अपने वोट से भरें। जी, मैं तो ज़रूर अपील करूंगी अपने रामनगर की जनता से कि इस बार रामनगर का भविष्य आपके हाथ में है। रामनगर को 5 साल किसी भी ऐसे अभी में हाथ में न जाने दें कि रामनगर फिर से पुराने स्थिति में चला गया जो आज तक है। एक बार मैं यही कहना चाहूँगी अपनी जनता से कि रामनगर उनसे आज न्याय मांग रहा है और मैं उनकी बेटी, उनकी बहू उनके सामने खड़ी हूँ। एक मौका मुझे दे, मैं अपना आंचल फैला के आप लोगों से मतलब उम्मीद रख रही हूँ कि आप अपनी बेटी को, अपनी बहू को एक बार रामनगर की बागडोर दें और उसके बाद अपनी बहू और बेटी से किस तरह से काम लेना है आप जैसा मार्गदर्शन देंगे मैं वैसे ही आपके काम से करती जाऊँगी। मैम, ये तो एक बात यह है कि आपका एजेंडा क्या है, अगर आप 5 साल में जीतती हैं, विजयी प्राप्ति होती है तो 5 साल में आप रामनगर को किस डगर पे ले जाएंगे, कोई मास्टर प्लान आपके पास? जी सर, प्लान तो बहुत सा है क्योंकि मैं 15 वर्षों से नगर पंचायत में रह रही हूँ और मैंने वहाँ की व्यवस्था को देखा है
आज तक लूट खसोट के सिवाय नगर पंचायत में कुछ हुआ ही नहीं। किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि आज रामनगर का जो मेन बाजार है, मेन मार्केट है, वहाँ महिलाएं हमारी आती हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं। अगर उन्हें शौच की आवश्यकता हुई तो कोई ऐसी जगह नहीं है मार्केट में जहाँ वो जा सकें। तो मेरा सबसे पहला कार्य यही होगा कि उनके लिए एक अच्छे सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की जाए कि उन्हें कहीं कष्ट ना हो। मैं भी एक महिला हूँ इसलिए मैं उस कष्ट को समझ सकती हूँ। बहुत बड़ी सोच है, महिला सुरक्षा और ये सच कॉल ऑफ नेचर की जो फैसिलिटी है ये नहीं है, तो महिला सुरक्षा के लिए आपका क्या विजन है? महिला सुरक्षा के लिए देखिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी जहाँ तक होगा। दूसरी चीज़ कि महिलाओं की सुविधा पर मैं पहला ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि आज महिलाओं के लिए यहाँ पर एक भी लेडी डॉक्टर है, जिसके कारण आज जो भी प्रॉब्लम होता है गर्भवती महिलाएं तुरंत रेफर दे दिया क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। हर तरह की परिस्थिति में जनता हमारी, हर मतलब लोग इस तरह से हुए यहाँ पर हैं कि सभी लोगों के पास वैसे पैसा वाले लोग तो हैं नहीं कि जाके वहाँ बेतिया में इलाज करा सके। तो मैं एक लेडी डॉक्टर की व्यवस्था करूँगी कि रामनगर को एक लेडी डॉक्टर मिले हमारी माताओं बहनों को, कि उन्हें बाहर न जाना पड़े। दूसरी चीज़ कि एक यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज चल रहा है, तो इंटरमीडिएट कॉलेज तो चलता रहेगा हम अपने बच्चियों के लिए, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ ये है कि पढ़ना चाहती हैं लेकिन गार्जियन उन्हें बाहर नहीं जाना। जी मैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज करूँगी अपने बच्चियों के लिए, क्योंकि हमारी लड़कियाँ कुछ करना चाहती हैं और उन्हें मौका मुझे देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करूँगी। जो मुझे मालूम है कि जो विक्रम कॉलेज जो है वो आप ही लोगों के खानदान का बनाया हुआ है, तो अब तक आपने इसको प्रमोट क्यों नहीं किया? इज देयर एनी रीजन फॉर? इसमें मैं लगी हुई इसलिए आपसे एक बार मैं अपील की हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि मेरा काम करीबन मतलब पूरा हो चुका है और हम लोग इसमें लगे हुए हैं, इसलिए मेरा अपील है और मैं ठोस अति के साथ बोल रही हूँ कि मैं करूँ क्योंकि हम लोग लगे। यस आखिरी सेंटेंस, वक्त ज़्यादा हुआ कि आप जनता से क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करेंगी? आप बहू भी हैं बेटी भी हैं। मैं अपनी जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि संजोग से बेटी के साथ साथ मैं आपकी बहू भी हूँ, तो एक बार अपनी बेटी और अपनी बहू के चेहरे के तरफ देखिए। और मैं ये भी कहूँगी कि पॉलिटिकल अति से भी आप देख सकते हैं कि 12 कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, 12 प्रत्याशी खड़े हैं और 12 में से आपको जो भी चेहरा अच्छा नज़र आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। मेरा दावा है कि आपको मेरे चेहरे के सिवाय किसी का चेहरा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि इस बार मतदान एकदम अपने सोच समझ के साथ एक ऐसे व्यक्ति के का चुनाव करें जो आपके रामनगर के लिए कुछ कर सके, उसको आगे ले जा सके, उसको एक विकासशील रामनगर बना सके। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीवियस टाइम प्रीसियस टाइम विद अस। मैं मुजीबुल्लाह, वी बी इंडिया न्यूज़।